नमस्कार, सिटी पोस्ट में मैं यशस्विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जियो के भारत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च होने से देश के उभरते हुए इंटरनेट और स्ट्रीमिंग उद्योग में उलट पलट होने की संभावना है। जियो फाइबर की सालाना योजना में मुफ्त टीवी सेटअप बॉक्स और प्रीमियम स्ट्रीमिंग सेवाएं दी गई हैं। 100 GB/MBPS से 1 GB/1 GBPS तक की स्पीड के लिए टेलीकॉम दिग्गज रिलायंस 700 रुपए से 10,000 रुपए प्रति महीने का शुल्क लेंगी। इन योजनाओं से पूरे देश में एक बार फिर से सस्ते इंटरनेट और मुफ्त दी जा रही सेवाओं को लेकर प्राइस वार छिड़ने की संभावना है। 2016 में जब रिलायंस ने जियो मोबाइल सेवा के जरिए मुफ्त कॉल और अपने डेटा देने की अपनी योजना शुरू की थी, इसके बाद ही मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट की कीमतें गिरनी शुरू हो गई थी और प्रतिस्पर्धा कंपनियों और ग्राहकों के प्राइस वार देखने को मिला था। 12 अगस्त को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के अनुसार जियो का फाइबर की कीमतें वैश्विक दरों में 10 गुना कम होंगी। सब्सक्राइबर्स को लैंडलाइन पर मुफ्त आउटगोइंग कॉल से लेकर मुफ्त LDTV तक की योजनाएं का लाभ मिलेगा। प्रीमियम ग्राहक अपने कमरे में बैठकर घर के टीवी सेट पर रिलीज के दिन फिल्में भी देख सकेंगे। इससे जियो में फर्स्ट डे फर्स्ट शो का नाम दिया है। प्रतिस्पर्धा टेलीकॉम कंपनियों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और यहां तक कि सिनेमा हॉल के साथ मुकाबला करेंगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता इंटरनेट बाजारों में से एक है। पूरी संभावना है कि यहां वीडियो ऑन डिमांड का बाजार अभी बड़ा होगा। कंसल्टेंसी फर्म प्राइस वाटरहाउस के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में विकास का लगभग 46% हिस्सा टेलीविजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और फिल्म उद्योग का है। अगस्त में मुकेश अंबानी की घोषणा से टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। आनन फानन में कई प्रतिस्पर्धा टेलीकॉम ऑपरेटर इसके मुकाबले के लिए ऑफर्स ले आए हैं। जैसे कि अपेक्षा थी कि अंबानी ने ठीक वैसे ही योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा भी की है, जो कि बेहद लुभावनी है। यह भी तय था कि इसके लिए ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए मुफ्त ट्रायल ऑफर भी दिया जाएगा। जियो फाइबर प्राइस ऑफर में विभिन्न जियो एप्स के साथ 100 MBPS का जियो कनेक्शन मुफ्त, 100 GB डेटा मिलेगा, लेकिन जो यूजर इसे खत्म कर लेते हैं उन्हें 40 GB का ऑनलाइन टॉपअप दिया जाएगा। यह टॉपअप 24 बार दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1000 GB से अधिक डेटा मुफ्त मिलेगा। सब्सक्राइब करने वाले ग्राहकों को राउटर के लिए 2,500 रुपए लिए जाएंगे, जो कि रिफंडेबल होंगे। इसकी वजह से भारत में मोबाइल डेटा की कीमतें भी बहुत तेजी से नीचे गिरी। जब जियो टेलीकॉम की शुरुआत हुई थी तब भारत में 10 ऑपरेटर्स थे, आज यह संख्या महज 4 रह गई है। एयरटेल और BSNL जैसी कई ब्रॉडबैंड कंपनियां भारत में एक बार फिर उसी तरह की संभावनाएं देख रही हैं, जैसा कि जियो मोबाइल सेवाओं का शुरू होने पे दिखाई दी थी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।